पूरे प्रदेश भर में डेंगू अपना तांडव दिखा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम भी अपने क्षेत्र में डेंगू से जंग लड़ रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ फॉगिंग की जा रही है और उन लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं जिनके घर या संस्थान में डेंगू लार्वा पाया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या मॉल्स आदि के परिसर में भी डेंगू लार्वा मिलने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही करने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए, पिछले दिनों जो वर्षा हुई, इसके अतिरिक्त छतों पे और बेसमेंट में लोगों के पानी भी भरा, साथ ही साथ कई जगहों से शिकायतें भी मिलती हैं, पड़ोसियों के द्वारा, लोगों के द्वारा फोटोग्राफ शेयर की जाती हैं, उसी के तहत शिकायत मिलने पर हमारी टीम जाती है। मैं स्वयं भी कई जगहों पर गया, कुछ जगहों पर तो हमें सही मिला, लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ पर भी ऐसा, जहाँ जल भराव होता है और उसमें लार्वा अगर पाया जाता है तो उस पर हम तत्काल चालानी कार्रवाई करते हैं। पिछले दिनों एक मॉल में भी ऐसी घटना हुई जिस पर हमें चालानी कार्रवाई करनी पड़ी, इस पर 50,000 का चालान किया। इसी के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी हम लोग जो है, हमारी टीमें गई, कॉम्प्लेक्सेस में गई जहाँ बेसमेंट में पानी भरा था, वहाँ भी 10 से 20-20 हज़ार तक के चालान किए। आज भी कुछ जगहों पर चालान किया गया है और अभी तक हम लोगों की टीम जो है पिछले 15 दिनों में लगभग प्रतिदिन के अगर हिसाब से देखें तो 10 से 20 चालान प्रतिदिन कर रहे हैं। और अभी तक जो है पिछले 15 दिनों में हमारे टीमों के द्वारा जो है 2.5 लाख से ऊपर तक के जो है चालान जो है उसकी कार्रवाई की गई है। जो फॉगिंग अलग अलग वार्ड्स में करते हैं उनका टाइम टेबल पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहाँ के संबंधित पार्षद को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वे भी अपनी निगरानी में इनका जो है अपना इस्तेमाल करते हैं। और अगर जल भराव को निकासी करने का द्वार होता है तो उसके रास्ते हम जल निकासी करवा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दे देते हैं कि यदि भविष्य में दोबारा आपके यहाँ लार्वा पाया जाता है तो इसकी धनराशि जो है 2 गुना से लेकर 3 गुना तक हम कर देंगे। अर्थात अगर 50,000 का चालान है तो 1 लाख, 1 लाख का है तो 2 लाख के हम लोग जो है धनराशि उस हिसाब से डिसाइड करके उसमें जो है नियमित रूप से चालान की कार्रवाई जारी रखते हैं। राजधानी देहरादून में जिस तरह से लगातार डेंगू अपना तांडव बरपा रहा है, डेंगू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है राजधानी देहरादून के लोगों को, और स्वास्थ्य महकमा से लेकर देहरादून नगर निगम तक डेंगू के खिलाफ मोर्चे पर अड़े हुए हैं और जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब इसी बीच जहां पर भी डेंगू लार्वा पाया जा रहा है उन्हें नष्ट किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, तो वहीं जो है इसी बीच देहरादून के उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जिनके घरों के आसपास या फिर प्रतिष्ठानों के परिसर में जो है डेंगू लार्वा पनप रहे हैं। आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो उस पानी की निकासी तुरंत करवा दें और इसी के साथ ही उस पर किसी तरह के छिड़काव कर दें जिससे वो लार्वा नष्ट हो जाए, अन्यथा देहरादून नगर निगम आपका चालान काट सकता है। लाखों का चालान जो है निगम ने वसूल लिया है और जो लोग नहीं मान रहे हैं, जिन्हें नोटिस देने पर भी नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तो ऐसे में देहरादून नगर निगम उन्हें चेता रहा है कि ये जो चालानी कार्रवाई है और इसकी जो कीमत है ये दुगनी से तिगनी हो जाएगी, यानी कि लाखों तक का चालान आपको भरना पड़ सकता है। देहरादून से मैं हिना आज़मी, लोकल 18 के लिए।